तुम दोनों में से कौन मुन्नी से प्यार करता है? मैं नहीं, ये है वो। अरे मुन्नी, तुझे लड़का पसंद है? अरे नहीं नहीं, मुझे जो लड़का पसंद है उसका तो एटलीस्ट सिक्स पैक होना चाहिए। तुम अपने भाई को बोल क्यों नहीं देती हो कि हम एक दूसरे से प्यार करते हैं? जो वक्त हमें एक बिताया, क्या वो झूठ था कि मेरा प्यार झूठ है? ओए, तू तो बहुत बड़े डायलॉग मारता है। मैं चाहूँ तेरा खेल अभी यही खत्म कर दूँ। मैं मरने से डरता नहीं हूँ सर, आप मुझे मार दीजिए। मैंने क्या किया? मैंने तो मुन्नी से प्यार नहीं किया ना, मुझे क्यों मारोगे? अरे बेटे, इसके पापा का हिस्सा तू भी है, मरना तो तुझे ही पड़ेगा। भैया मेरे सामने ये फोन खराबा मत करो, शॉपिंग के लिए जा रही हूँ, अगर लेट हुई तो कॉल कर दो। ले बोला, खत्म कर इन लोगों को। एक मिनट, हमारी एक आखिरी ख्वाहिश है, क्या तुम इसे पूरा करोगे? आखिरी ख्वाहिश क्या? हम चाहते हैं कि मरने से पहले आपकी कोई मदद कर सके। अरे वाह, मदद? दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं जो मैं ना कर सकूं। फिर भी एक काम है, अगर तुम वो मेरे लिए कर सके तो मैं तुम दोनों को छोड़ दूंगा, वरना तुम दोनों तो गए। पर काम क्या है ये तो बताइए। सेटिंग करवानी पड़ेगी एक लड़की की मेरे साथ, बोल करेगा? सेटिंग। और ये मेरा बड़ा भैया, आपसे कोई बहुत प्यार करता है, लेकिन क्या है कि वो खुद की मुंह से ना ये बात बोल नहीं पाएगा, तो हम दोनों को भेजा है। नहीं, हम आपके भलाई के लिए ही आया है। जानते तुम लोगों को किसने भेजा है? तुम लोगों से पहले बहुत लोग आ चुके हैं। सॉरी। अबे ओ चूहे, ज़्यादा डिस्टर्ब मत कर वरना पुलिस के पास ले जाऊंगी।
यार मेरे को लगता है ये छोटी बड़ी खतरनाक है, तेरे बस की बात नहीं है और तू सेटिंग नहीं करवा पाएगा। इससे अच्छा है तू सेटिंग करवाना छोड़ दे। बढ़िया शांति से देख, सबसे पहले इस लड़की को हमें पटाना पड़ेगा, फिर हम उसके साथ उसका सेटिंग करवा देंगे। तो टाइम लगेगा लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि मैं कर पाऊंगा ये। इम्पॉसिबल, तेरे बस की बात नहीं है, मैं तो सरेंडर करने जा रहा हूँ बस। चाहे कुछ भी हो जाए मैं इस लड़की को पटाऊंगा ही। ओके, कोशिश करके देख ले। थारे लिए छोड़े तक तो ताज, मारे दिल पे तू कर ले राज। थारे लिए छोड़े तक तो ताज, मारे दिल पे तू कर ले राज। ओरे पिया, ओरे पिया, मोरे पिया, मोरे पिया, तेरी ग्लैमरस अखियां, ग्लैमरस अखियां बन गई मोरी सखियां, ग्लैमरस अखियां। बड़े भैया। हाँ बोल। बड़े भैया। हाँ बोलना यार। मैं सोच रहा हूँ कि अगर वो लड़की के साथ मेरा सेटिंग हो जाए तो कैसे रहेगा। अबे कमीने, तू पहले उसकी बहन को सेट कर रहा था, अब उसकी माल को भी सेट कर रहा। अगर उसको मालूम चलेगा ना तेरी कायदे से मारेगा वो। मैं बहुत सोचा, वो अच्छी लड़की है, पता है मैं खुद की सेटिंग के लिए जितना नहीं किया हूँ ना उसके लिए मैं बहुत कुछ कर चुका, मैं उसे नहीं छोड़ सकता। अब समझ ही कोशिश कीजिए भैया। तेरी जो इच्छा है तू वो कर, मैं तो जा रहा हूँ। आज मैं यहाँ तुम्हारे कहने पे आई हूँ, प्लीज़ तुम मुझे डिस्टर्ब मत करो। मैं पिछले 7 दिन से तुम्हें झेल रही हूँ यार। अगर कोई लड़का किसी लड़की को पसंद करता है तो उसे खुद आना चाहिए। नहीं, मेरा मतलब ये नहीं था। अगर तुम खुद के सेटिंग के लिए इतना कुछ करते तो मैं तुमसे बढ़ जाती हूँ। सही में अगर सच में ऐसा हुआ तो? मतलब देखो, पिछले 7 दिनों से मैं तुम्हारे साथ रहा, अब पता नहीं तुम मुझे अच्छी लगने लगी हो। ओ हेलो, मैं तुमसे कोई प्यार व्यार नहीं करती, मैं तो बस तुम्हें ये समझा रही थी कि यू जस्ट वेस्टिंग योर टाइम। हाँ वो तो पता है कि मैं अपना टाइम वेस्ट कर रहा था, लेकिन अगर इन फ्यूचर मैं टाइम वेस्ट ना करूँ तो? क्या मतलब? नहीं देखिए, आज मैं जो भी कह रहा हूँ उसे मजाक में मत लीजिए। सच कहूँ तो आपके प्यार में मैं पूरा पागल हो चुका हूँ। लेकिन तुम पागल तो नहीं लग रहे हो। बाय द वे एक बात बताओ, तुम अब तक किसके साथ मेरी सेटिंग करवा रहे थे? नहीं, मैं पहले तो आपके पास मुन्ना भाई के लिए आया था, लेकिन अब मैं खुद का इरादा बदल चुका हूँ। बस तुम क्यूट हो, बट आई एम सॉरी, अगले महीने मेरी शादी है और मेरा फियांसे पीएनबी में ब्रांच मैनेजर है। ये पीएनबी क्या है? पीएनबी मींस पंचायती नेशनल बैंक। और तुम ज़्यादा मुझे परेशान मत करो और ये पंचायती बंद करो, वैसे भी मुझे भी जाना है। Thank you.
इतनी देर से खड़ी हूँ यहाँ पे, एक टैक्सी भी नहीं मिल रही। बाजीगर मैं बाजीगर, दिल वालों का मैं दिलबर। बाजीगर मैं बाजीगर, दिल वालों का मैं दिलबर। ओ दिल लेके दिल दिया है, सौदा प्यार का किया है, दिल की बाजी जीता दिल हार कर। आप मुझे वॉलमार्ट तक छोड़ सकते हैं? मैं बहुत देर से यहाँ पे खड़ी हूँ और कोई टैक्सी नहीं मिल रही। क्या आपके पास आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस या फिर वोटर आईडी कार्ड कुछ भी है? लिफ्ट देने के लिए आप ये सब क्यों मांग रहे हैं? मैं किसी अननोन लड़की को अपनी बाइक पे नहीं लेता, और वैसे भी मेरे घर से आजकल की लड़कियों से दूर रहने के लिए बोला है। मैं चलता हूँ, आई एम सॉरी। आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? मदद करना तो मेरा फर्ज है। थैंक्स। अगर हम पहले ही मिले होते तो ज्यादा अच्छा होता। अब करते क्या हो? जी मैं पीएनबी में ब्रांच मैनेजर। सिंगल? जी मेरा एंगेजमेंट हो चुका है, नेक्स्ट मंथ मेरी शादी। एंगेजमेंट और शादी एक नहीं है, शादी उसी से करना जिसे आप पसंद करते हैं। यू आर एब्सोल्युटली राइट। बहुत दिन से मैं तुझे देख रहा हूँ, तू अकेला घूम रहा है, क्या हुआ है तुझे? नहीं मुझे कुछ नहीं हुआ। तेरी तबीयत तो ठीक है ना? मैंने आपको बोला ना, मुझे कुछ नहीं हुआ। उसके साथ तेरी कोई बात आगे बढ़ी? नहीं, मैं भाई के साथ उसका सेटिंग नहीं करवा पाया। अबे मैं तेरी सेटिंग की बात कर रहा हूँ, मुन्ना भाई की सेटिंग की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। नहीं मैं कामयाब नहीं हो पाया, मुन्ना भाई के पास जाके सरेंडर होने के अलावा मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। छोटे देखिए, मैं सच में कुछ नहीं कर सकती, आई एम ऑलरेडी एंगेज्ड। देखो मैं आपके लिए बात करने नहीं आया, मैं छोटे के लिए बात करने आया हूँ। प्लीज आप ये सब प्लीज बंद कीजिए, मैं थक चुकी हूँ। देखो तुम नहीं चाहती हो तो मैं कुछ नहीं बोलूंगा। ठीक है, जो बोलना है आप जल्दी बोलिए। समझी, पर मैं आप लोगों के लिए कर भी क्या सकती हूँ? मतलब क्या तुम सच में कुछ नहीं कर सकती है? एक रास्ता है। सो तुम इसके साथ शादी करना चाहते हो? तुम हमारे पेरेंट्स को मना लो, आई होप तुम ही ये कर पाओगे। क्या तुम उसके साथ रह पाओगे? हाँ, पर तुम्हारा ये सैक्रिफाइस मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी। मुनी तुम जानती हो, शी इज माय बेस्ट फ्रेंड, ओनली शी कैन डू इट। जब तुम लोग राजी हो तो मैं कौन होती हूँ रोकने वाली? तुम लोग प्लीज यहाँ बैठो, मैं ऑर्डर दे कर। मुन्नी क्या उसे पता है कि तुम्हारा भाई कौन है?
आप मेरे भाई को जानती हैं? हाँ, बहुत अच्छी तरह। प्लीज आप उससे कुछ मत कहिए, ये मेरा रिक्वेस्ट है। ओके, बट मेरा भी एक रिक्वेस्ट है। क्या बोलिए? तुम्हारा भाई मेरे एक दोस्त को उठा ले गया है, तुम उसे कॉल करो और उसे प्लीज छुड़ा दो। भाई मुन्नी का फोन है। हेलो। हाँ मुन्नी, क्या उन्हें छोड़ दूँ? क्यों? अच्छा ठीक है ठीक है। अरे बोला, जाओ उन दोनों को छोड़ दे। चलो भाई आप कहते हैं तो छोड़ देता हूँ। लीजिए, हो गया। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। और अपने भाई को बोलना है कि 100% सेटिंग कर ले। बाय द वे, मुझे कुछ काम है, मैं जा रही हूँ। ठीक है, बाय। अब तो कोई डर नहीं है ना? क्या हुआ इसे? अबे छोटे, देख तेरे से कुछ पूछ रही है, इसकी बात का जवाब दे। हेलो, मैं क्या हवा से बात कर रही हूँ? मैं ठीक हूँ। तुमको एक काम करना है, कर पाओगे? जी बोलिए। कुछ दिन पहले तुम मेरे पीछे पड़े थे ना? जी, उसके लिए आई एम सॉरी। अरे इट्स ओके, मैं चाहती हूँ कि तुम ऐसे हमेशा मेरे पीछे पड़े रहो। मतलब तू ये जान ले तेरी सेटिंग हो गई। पर आपका क्या हुआ बड़े भैया? मैं तो संन्यास ले लिया। देख पूरी तैयारी करके आया हूँ, अब तो बस बनारस में प्रभु के चरणों में जाकर के उनका आश्रय लेना है।